दोस्तों हाल ही में यह खबर निकलकर सामने आई थी कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को अपने इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग देने के लिए तैयार हो गया है। साथ ही अमेरिका भी भारत को लुभाने के लिए अपने कानूनों में बदलाव कर रहा है ताकि वह भारत के साथ अपने संबंध मजबूत कर सके। लेकिन अब अमेरिका और भारत की बढ़ती नजदीकी को देखते हुए ब्रिटेन की चिंता बढ़ने लगी है कि कहीं अमेरिका रोल्स रॉयस के हाथों से अरबों डॉलर की इंजन डील ना छीन ले। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोल्स रॉयस ने इस इंजन डील को हासिल करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है, जिससे अमेरिका तो क्या खुद भारत भी हैरान है, क्योंकि रोल्स रॉयस भारत को जो टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है वह अमेरिका से काफी सुपीरियर है। ऐसे में अपने पार्टनर के रूप में भारत को जल्द से जल्द किसी एक देश को चुनना होगा। क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको विस्तार से इस बारे में बताते हैं। दरअसल अमेरिका द्वारा भारत की इंजन डील हत्याने के लिए बढ़ते कदम को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने यह बयान दिया कि वह भारत के इंजन प्रोग्राम के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर यानी कि एक भरोसेमंद साथी हो सकते हैं, जो ना सिर्फ भारत को अपने सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग देंगे बल्कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत को इसे एडवांस जेट इंजन की IPR भी मिलेगी। IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के लिए फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिना उसके भारत को इंजन अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर विकसित करेगा, उसे सही मायने में स्वदेशी इंजन नहीं कह सकेंगे। ऐसे में ब्रिटेन की रोल्स रॉयस का यह बात खुलकर कहना कि वह भारत को IPR देने के लिए तैयार है, अमेरिका की तरफ से ऑफर दिए जाने वाले किसी भी ऑफर से कई गुना ज्यादा अच्छा बन जाता है। दोस्तों रोल्स रॉयस भी विश्व की कुछ शीर्ष इंजन निर्माता कंपनियों में से एक है जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो शायद विश्व में बेहद ही कम देशों के पास है। साथ ही रोल्स रॉयस जापान और इटली के साथ मिलकर सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट भी बना रहा है, जिसके लिए एक छठी पीढ़ी का जेट इंजन बनाएंगे। ऐसे में रोल्स रॉयस अगर भारत को इस इंजन की टेक्नोलॉजी ऑफर करता है तो यह अमेरिका के GEF-14 इंजन के मुकाबले कई गुना अच्छा ऑफर होगा। साथ ही रोल्स रॉयस भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और IPR भी देगा, मतलब ब्रिटेन का ऑफर कई मायनों में अमेरिका से कई गुना अच्छा है। वहीं ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर भारत अमेरिका के इंजन को क्यों चुनेगा जब ब्रिटेन उसे अमेरिका के मुकाबले इतना अच्छा ऑफर दे रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका भी लगातार अपने कानूनों में बदलाव करने पर मजबूर हो चुका है, क्योंकि अमेरिका भी यह बात अच्छे से समझता है कि पहले भारत के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब भारत के पास इस 110 किलो न्यूटन ग्लास के जेट इंजन को विकसित करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 से 4 विकल्प मौजूद है। ऐसे में अमेरिका दादागिरी दिखाकर भारत को अपने हित की डील ऑफर नहीं कर सकता, और साथ ही कंपटीशन बढ़ने की वजह से अमेरिका को अब सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी की भारत को ऑफर करना होगा, वरना भारत के पास ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विकल्प मौजूद है। खैर अमेरिका के लिए 110 किलो न्यूटन ग्लास के फाइटर जेट को विकसित करने की यह डील अब काफी तीखा मोड़ ले चुकी है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे में सीधे भिड़ने को तैयार है। और आगे अब यह टक्कर हमें नए ऑफर्स और इन देशों के टॉप ऑफिसर की तरफ से हाई लेवल इंडिया विजिट के रूप में देखने को मिलेगी। देखा जाए तो यह सब भारत के लिए अच्छा ही है, क्योंकि इससे भारत को सबसे बेस्ट डील मिल सकेगी। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों आखिर RBI क्यों नहीं महंगाई रोक पा रही है, आखिर महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो पाती। दोस्तों देखा जाए तो दिन ब दिन हमारी जरूरत की चीजें काफी ज्यादा महंगी होती जा रही है, कि एक आम आदमी को अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए कई चीजों की कुर्बानी तक देनी पड़ती है, क्योंकि महंगाई हमारी खरीदने और खर्च करने की आदत को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। ऐसे में इसके पीछे क्या है असल कारण, आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आज महंगाई का सबसे बड़ा कारण रूस यूक्रेन युद्ध है, जिसकी वजह से फ्यूल गैस और फूड के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में महंगाई ग्लोबल इन्फ्लेशन के कारण बढ़ती है, मगर देश के सेंट्रल बैंक का भी योगदान होता है महंगाई को कम या ज्यादा करने में।
लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि आरबीआई महंगाई को क्यों नहीं रोक पा रहा है। तो आपको बता दें कि दोस्तों इसके लिए आपको इन्फ्लेशन को समझना होगा, जिसे नापने के लिए दो चीजें जरूरी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। आरबीआई हर महीने इन्हें कैलकुलेट करता है। इससे आरबीआई को सभी गुड के प्राइस में होने वाले चेंज की और इन्फ्लेशन की जानकारी होती है। किसी प्रोडक्ट के दाम इसलिए नहीं बढ़ते कि उसके खरीदार बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो चीजें चाहिए उसका प्राइस बढ़ गया है। इसलिए अगर आरबीआई सबकी प्रोसेसिंग पावर को कम कर देगा तो लोग बहुत सी चीजों को खरीदेंगे नहीं और उन चीजों की डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे में डिमांड कम होगी तो चाहकर भी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन क्योंकि उनको भी अपनी इनपुट कॉस्ट को कवर करना है तो फिर दूसरे से लेकर सेलर तक कोई भी प्राइस को ज्यादा कम नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे में आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करके डिमांड सप्लाई और प्राइस इसको लिमिट कर देता है और दुनिया के हर एक प्रोडक्ट के साथ यही होता है। सब्जियों से लेकर घर के हर एक सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल सब कुछ ऐसे ही चलते हैं और इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसे में अगर आरबीआई की कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और डूब जाएगी। इसलिए जरूरत के हिसाब से महंगाई को कम करना देश और आरबीआई के हित में नहीं होता, जो कि आरबीआई ने जरा सी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और देश की इकोनॉमी संभलेंगी। तो दोस्तों देश में महंगाई जरूर है, लेकिन ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है और खासकर महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यह और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इन कारणों की वजह से फूड सप्लाई पर काफी प्रभाव पड़ा है। दोस्तों देखा जाए तो महंगाई हर देश की नीति में शामिल है कि किस देश को उन्हें महंगा करना है और किस देश को उन्हें सस्ता करना है, क्योंकि कुछ तो मार्केट और परिस्थितियों के हिसाब से है। लेकिन हर देश की सरकार को एक चीज सुनिश्चित करनी चाहिए कि जो सबसे बेसी चीजें होती है, जिनकी जरूरत हर किसी को होती है, उन चीजों के रेट उन्हें नहीं बढ़ाने चाहिए, जैसे कि खाने पीने की चीजें, एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्योंकि अगर यहाँ भी प्राइजेस हाई हो रहे हैं तो यह देश का फेलियर माना जाएगा। और इस श्रेणी में अगर देखा जाए तो हमारे देश में इसे सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया है, क्योंकि महंगाई अगर बढ़नी चाहिए तो लग्जरी आइटम्स पर बढ़नी चाहिए। बेसिक नीड की चीजों जैसे कि आटा, दाल, चावल, तेल, पेट्रोल, इन सब चीजों के अगर प्राइस बढ़ता है तो यह कहीं ना कहीं देश के सरकार की पॉलिसी का फेलियर माना जाता है। और ऐसे में सरकार को चाहिए कि महंगाई के समय वह इन चीजों पर ध्यान दे कि बेसिक नीड की जो चीजें हैं उन पर महंगाई ना बढ़ाई जाए, ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। ऐसे में यह आरबीआई और सरकार के हाथ में ही होता है कि वह किस चीज का प्राइस बढ़ाना चाहते हैं या फिर किस चीज का प्राइस कम करना चाहते हैं। तो ऐसे में सरकार को सोच समझकर और जनता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को लेना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।